बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है मिनकोसकी स्पेस टाइम। मिनकोसकी की नेम से पता चल रहा है कि मिनकोसकी मैथमेटिशियन था। हरमन मिनकोसकी ने मिनकोसकी स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट दिया। अब मिनकोसकी स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सबसे पहले तो वो कहता है कि हम एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात करेंगे, एक्सटर्नल सिस्टम की बात करेंगे। एक्सटर्नल सिस्टम थ्री डायमेंशनल सिस्टम से मिलकर नहीं बना। मिनकोसकी ने कहा था कि कोई भी एक्सटर्नल सिस्टम थ्री डायमेंशनल सिस्टम से नहीं बना, वो किसी फोर डायमेंशनल सिस्टम से बना है। अब यहाँ पे आपकी हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि फोर डायमेंशन सिस्टम से बना है, मतलब आपके पास कोई भी तीन डायमेंशन सिस्टम किसी एक और डायमेंशन से मिलेंगे तो फिर वो आपका फोर डायमेंशन बनेगा। अब वो कहता है कि थ्री ऑर्डनरी डायमेंशन ऑफ स्पेस आर कम्बाइंड विद ए सिंगल डायमेंशन ऑफ टाइम, मतलब तीन स्पेस की डायमेंशन। अब आप स्पेस में डायमेंशन अगर हम कार्टीजियन सिस्टम ले रहे हैं तो हम उसमें एक्स वाई जी ले लेते हैं, तो इसी तरह से तीन डायमेंशन स्पेस की जब किसी एक डायमेंशन टाइम की डायमेंशन के साथ कंबाइन होंगी तो आपके पास एक फोर डायमेंशन स्पेस टाइम सिस्टम बनेगा, जिसको हम मिनकोसकी स्पेस टाइम कहेंगे। तो मिनकोसकी स्पेस को हम यूक्लिडियन स्पेस के साथ भी कंट्रास्ट करती हैं। अब वो कहते हैं कि मिनकोसकी और यूक्लिडियन को का कंट्रास्ट हम कर सकते हैं। आपको यूक्लिडियन स्पेस पता होनी चाहिए कौन सी होती है। यूक्लिडियन स्पेस होती है जो कि टू या थ्री डायमेंशनल स्पेस होती है, जिसमें यूक्लिडियन ज्योमेट्री के एक्सियम्स का अप्लाई किया जाता है। ठीक है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री के एक्सियम्स को, मतलब आप बस कार्टेशियन सिस्टम एक्स वाई जी उसको हम कह सकते हैं, तो उसके एक्सियम को हम सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन यूक्लिडियन स्पेस की जब हम बात करते हैं तो यूक्लिडियन स्पेस की डायमेंशन स्पेस लाइक डायमेंशन होती है, मतलब जब हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री के एग्जियम को अप्लाई करते हैं उसमें, लेकिन उसकी ज्योमेट्री उसकी डायमेंशन स्पेस लाइक होती है। और स्पेस लाइक डायमेंशन कौन सी होती थी? जो कि सेम टाइम पे अकर होती थी, स्पेस का अपोजिट टाइम, जो सेम टाइम पे तो अकर हो सकती हैं लेकिन सेम प्लेस पे नहीं। तो इसकी स्पेस की डायमेंशन कौन सी होती है? स्पेस लाइक होती है। लेकिन मिनकोसकी स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो टाइम लाइक होती है, मतलब कि मिनकोसकी स्पेस किस टाइम अकर होती है? सेम स्पेस पे अकर होती है। सेम प्लेस पे तो अकर हो सकती है लेकिन सेम टाइम पे अकर नहीं हो सकती है। मिनकोसकी स्पेस एज अ टाइम लाइक डायमेंशन एंड यूक्लिडियन स्पेस एज स्पेस लाइक डायमेंशन। लेकिन देखें फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? कंट्रास्ट कर सकते हैं। यूक्लिडियन स्पेस और मिनकोसकी स्पेस फिर भी कंट्रास्ट करती हैं। यूक्लिडियन की डायमेंशन स्पेस लाइक है जो सेम टाइम पे होती है, लेकिन मिनकोसकी की डायमेंशन टाइम लाइक है जो कि सेम स्पेस पे होती है। तो दोनों अपोजिट हैं लेकिन फिर भी इनका कंट्रास्ट हम ऑफन कर सकते हैं अक्सर। अब देयरफॉर द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ यूक्लिडियन स्पेस इज यूक्लिडियन ग्रुप। अब अगर हम यूक्लिडियन स्पेस, मतलब जब कहती हैं कि दोनों इक्वल हैं, दोनों मिलती जुलती हैं, तो सिमेट्रिक ग्रुप मतलब क्या? सिमेट्रिक ग्रुप का मतलब है उसका क्या होता है? यूक्लिडियन ग्रुप होता है इसका, यूक्लिडियन स्पेस का। अब यूक्लिडियन ग्रुप का पता भी होना जरूरी है। यूक्लिडियन ग्रुप के अंदर हम यूक्लिडियन स्पेस की आइसोमेट्रीज होती हैं, मतलब कि इसके अंदर यूक्लिडियन ग्रुप में आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जैसे हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड देन आपने कुछ और पढ़े थे रिफ्लेक्शन लास्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो ये वाली चीज़ें यूक्लिडियन ग्रुप में आती हैं। अब कहते हैं इस यूक्लिडियन स्पेस का सिमेट्रिक ग्रुप यूक्लिडियन ग्रुप है, लेकिन मिनकोसकी स्पेस का सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है? पॉइंकर ग्रुप होता है। अब हम पॉइंकर ग्रुप को इतना ज़्यादा यहाँ पर डिटेल ही देखेंगे। अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊँ तो पॉइंकर ग्रुप वो वाला ग्रुप होता है जिसके अंदर 10 डायमेंशनल सिस्टम लाया करता है नॉन एबिलियन ग्रुप में। ठीक है, बस इसके लिए अभी इतना ही काफ़ी है। अब मिनकोसकी स्पेस है तो आपने एक बात याद रखनी है, ये फ्लैट स्पेस टाइम के लिए जो है वो यूज होता है। और मिनकोसकी स्पेस टाइम के अंदर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये है कि उसके अंदर मीट्रिक टेंसर जरूर आता है। मीट्रिक टेंसर क्या था आपके पास? जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था जी आई जे को हम क्या कहते थे? मीट्रिक टेंसर कहते थे। तो इसके अंदर ये वाली टर्म जो है वो जरूर होती है। अब ये क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि फ्लैट स्पेस टाइम के लिए यूज होता है तो लोकली फ्लैट स्पेस टाइम देख लेते हैं। मिनकोसकी स्पेस इज used to describe the system over finite distance applying Newtonian limit of system without significant gravitation. अब आपने एक बात और यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं
एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, और एक तो होता है आपके पास स्पेशल रिलेटिविटी, एक होता है आपके पास जनरल रिलेटिविटी। ये बात बताने का मकसद है आपका लोकली फ्लैट स्पेस टाइम का कंसेप्ट क्लियर हो। अब एक होता है स्पेशल रिलेटिविटी, एक होता है फ्लैट जनरल रिलेटिविटी। अब जो जनरल रिलेटिविटी होती है ना, उसके अंदर हम कर्व स्पेसेस के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, मतलब आपके पास कर्व स्पेसेस होती हैं, उनको हम वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते हैं और उन्हीं का कंसेप्ट जनरल रिलेटिविटी में हम यूज करते हैं। लेकिन जो आपके पास स्पेशल रिलेटिविटी होती है, यहाँ पे हम कर्व के लिए सिस्टम को नहीं देखते हैं, आपके पास सिंपल फ्लैट सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसी वजह से मिनकोस्की स्पेस टाइम जो है वो फ्लैट स्पेस टाइम है इन स्पेशल रिलेटिविटी। ठीक है, स्पेशल रिलेटिविटी का हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था ना, तो वो कहता है कि मिनकोस्की स्पेस टाइम जो है वो न्यूटोनियन लिमिट। और अब एक और बात, जनरल रिलेटिविटी के अंदर हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हैं, उधर ग्रेविटी के बारे में देखा जाता है, लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी में ग्रेविटेशन नहीं होती है। तो यूज ऑफ मिनकोस्की स्पेस डिस्क्राइब सिस्टम ओवर फ़ारेनहाइट डिस्टेंसेज इन न्यूटोनियन लिमिट ऑफ सिस्टम्स विदाउट सिग्निफिकेंट ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन का कंसेप्ट अगर आ जाए तो स्पेस टाइम बिकम कर्व। अब मैंने आपको बता दिया कि जनरल रिलेटिविटी के अंदर कर्व सिस्टम होता है, और कर्व सिस्टम है तो हम वहाँ पे ग्रेविटेशन का कंसेप्ट देखते हैं। तो ये वही वाली बात है, इज़ द फुल थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, उन्होंने बता दिया नीचे। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी प्रेजेंट है मतलब जनरल रिलेटिविटी है, तो स्पेस टाइम इज डिस्क्राइब बाय कर्व्ड फोर डायमेंशन मैनिफोल्ड फॉर विच द टेंजेंट स्पेस टू एनी टेंजेंट इज अ फोर डायमेंशनल मिनकोस्की स्पेस। अगर आपके पास ग्रेविटी प्रेजेंट है तो स्पेस टाइम जो है वो क्या होगा, कर्व होगा फोर डायमेंशनल में, और उसका जो टेंजेंट है वो फोर डायमेंशनल मिनकोस्की स्पेस बन जाता है फिर, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो फिर एक जनरल रिलेटिविटी के कंसेप्ट को शो करेगा, क्योंकि उधर ग्रेविटी का कंसेप्ट भी आ रहा है और उधर हम वहाँ पे कर्व स्पेसेस भी देख रहे हैं, तो वो एक जनरल रिलेटिविटी। अब आपका, मुझे उम्मीद है कि आपको जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहती है, एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई कि अब मैंने आपको बताया था कि थ्री डायमेंशनल सिस्टम स्पेस से, थ्री ऑर्डिनरी डायमेंशन स्पेस के और सिंगल डायमेंशन टाइम का। तो आप कोई भी सिस्टम ले लें, जैसे मैंने एक्स वाई जी लिया यहाँ पे और मैं यहाँ ही लिख लेती हूँ, तो एक डायमेंशन किसकी लेते हैं, टाइम की लेते हैं। तो ये आपके पास आप देखें एक फोर डायमेंशन सिस्टम बन गया, और इसी को हम मिनकोस्की स्पेस कहते हैं। मैंने यहाँ एक्स वाई जी लिखा, आप एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कुछ भी लिख सकते हैं जो कि आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। अब ये एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू उन्होंने लिया, और उसके साथ एक जो टाइम वाला कंसेप्ट है वो एक्स थ्री, टाइम वाली वैल्यू एक्स थ्री ली, तो ये फोर डायमेंशनल सिस्टम बन गया। एक बात याद रखनी है कि एक्स नॉट जो है वो सी टी के इक्वल है। सी टी के क्यों इक्वल होता है, क्योंकि आपने जब भी स्पेसेस में देखना है ना, ये उनका जो फर्स्ट वाली टर्म है ना, ये उनकी टाइम डेरिवेटिव है। ठीक है, मैंने पहले गलत बता दिया। और ये जो x1 x2 x3 है ना, ये उसका थ्री डायमेंशनल ऑर्डिनरी सिस्टम है, और x नॉट सी टी के इक्वल है। अब यहाँ पे हम सी टी की टर्म क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम की बात आती है तो वहाँ पे कोई भी टाइम जिस तरह से मूव कर रहा है वहाँ स्पीड ऑफ लाइट का कंसेप्ट आता है, तो इसलिए हमने टाइम और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू x नॉट इक्वल टू सी टी यहाँ पे रखी है। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर आर्क लेंथ इन मिनकोस्की स्पेस, अगर हमने ये वैल्यू पहले देख लिया है कि डी स्क्वायर डी एक्स नॉट डी एक्स वन डी एक्स टू डी एक्स थ्री के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब अगर आपने इसकी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो ये आपने इसको इसी तरह से अभी याद रखना है। अगर इसकी मजीद नेक्स्ट डिटेल हमने कहीं देखी तो मैं इसको मजीद अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। फर्स्ट वैल्यू वन एंड देन बाकी वैल्यू माइनस माइनस होती हैं, और इसको मीट्रिक को डिनोट किया जाता है ईटा म्यू वी के साथ, और इसका इन्वर्स कोवेरिएंट में या कंटावेरिएंट में ले जाएं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सेम होते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दें, जितनी जल्दी हो सका मैं आपका रिप्लाई दे दूंगी। एंड देन अभी तक के लिए इतना ही, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, मुझे सपोर्ट करें, इसी तरह से मैं आपको सपोर्ट करती रहूंगी। मजीद किसी और बुक के इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स भी जो है वो हम तैयार करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।